देते हैं। तो लीडरशिप क्या है कि एक नेतृत्व है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी को ये प्रभार दिया जाता है, जिससे कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से करे और सामने वाले को भी खुश रखे और अपना काम इतनी तरीके से करवाए। अगर उसका व्यक्तित्व, उसका नेतृत्व ही अच्छा नहीं रहेगा तो लीडरशिप के लायक नहीं है। तो हमको लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज देखनी है, क्या कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे नेता में। तो सबसे पहला है क्या है, इफेक्टिव पर्सनालिटी, गुड कैरेक्टर, मेंटल एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एफिशिएंसी, पेशेंस एंड टॉलरेंस, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी, विजिलेंस, डायरेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, अफेक्शन एंड मदरहुड कोऑपरेटिव्स। तो फर्स्ट क्या है, इफेक्टिव पर्सनालिटी। इफेक्टिव पर्सनालिटी क्या है, मतलब एक प्रभावी व्यक्तित्व। एक कुशल नेता का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वह दूसरों को प्रभावित कर सके, अर्थात उसका व्यक्तित्व प्रभावित होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए। उसकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो एक नेता है तो उसमें वो व्यक्तित्व होना चाहिए कि वो उस लायक है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें कोई पर्सनालिटी नहीं है तो क्या है कि वो नेता होने के लायक नहीं, मतलब लीड करने के लायक नहीं है। तो उसमें व्यक्तित्व कैसे निखार होता है, जैसे उसके कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ दिखने में ही कुछ नहीं होता है, उसके में पेशेंस भी होना चाहिए और उसके कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, वही एक अच्छा लीडर है। तो ये क्या करें, इफेक्टिव पर्सनैलिटी जो उसके व्यक्तित्व को क्या करें, इफेक्ट करें, उसको प्रभावशाली बनाए। फिर क्या है, सेकेंड है गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर मतलब उत्तम चरित्र है। नेता दूसरों को तभी प्रभावित कर सकता है जबकि उसका चरित्र क्या हो, उत्तम हो, अच्छा हो। अगर उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, वो सिर्फ दलाली करने में लगा हुआ है तो क्या मतलब। तो एक नेता को क्या है, उसका कैरेक्टर भी बहुत महत्व देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए और वो अच्छे से अपना व्यक्तित्व को निभाए और अपना अच्छे से काम को करे, तो उसका क्या है, कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। फिर क्या है, मेंटल एक्सेप्टेंस। मेंटल एक्सेप्टेंस क्या है कि अपने अधीनस्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए नेता का मानसिक प्रभाव को अपना होना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ है उसका सोचने का तरीका, सब चीज़ क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर उसका सोच ही अच्छा नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकता। तो उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और जो भी है उसमें एक्सेप्टेंस करने का पावर होना चाहिए, जिससे कि वह क्या है, हर चीज़ को, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव चीज़ हो, वो क्या कर सके, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। तो उसका बहुत ज़रूरी है हमको मेंटल एक्सेप्टेंस देखना कि कैसा है मेंटल एक्सेप्टेंस एक लीडरशिप की। इसमें लीडरशिप में भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए, किस चीज़ की, मेंटल एक्सेप्टेंस की। फिर क्या है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंट में लेता है। और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस जो भी लीडरशिप के लिए, जो भी नेता है, एक अच्छा नेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंट में ले सकता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि एक संप्रेषण कुशलता है कि नेता तथा दूसरों पर विश्वास प्राप्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप आत्मविश्वास की शक्ति हो। एक कुशल नेतृत्व का यह गुण बहुत जरूरी है कि उसमें कैसे नेतृत्व का विकास हो, तभी तो वो सामने वाले को क्या कर सकता है, अपने कॉन्फिडेंट में ले सकता है। आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप सामने जाकर भाषण भी नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमको क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर हमें कॉन्फिडेंस आएगा तो हम जो भी पॉसिबल चीज है उसको पॉसिबल कर सकते हैं। फिर क्या है, कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। जो संप्रेषण है वो बहुत इफेक्टिवली होना चाहिए। कुशलता से अधिक क्या होना चाहिए कि नेता तथा अधीनस्थों के बीच समय समय विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। बहुत सारे नेता मिलकर क्या करते हैं, अपने 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 जगह का, अपने अपने एरिया का क्या करते रहते हैं, आदान प्रदान, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो उसमें
उसमें कुशलता होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। अच्छी एफिशिएंसी रहेगी तो वो अपना बात को रख सकता है। अगर उसके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, उसका सही बात करने का तरीका ही नहीं आता है, तो अपना बात भी अच्छे से नहीं रख पाएगा। तो ये भी क्वालिटी हमको देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो अच्छे से सब लोगों से अपना विचार जो भी है, जो भी बात है, उसका आदान प्रदान वो अच्छे से कर सकता है। अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि आदेश देना, सूचनाओं को देना, अगर वो
बहुत लोग इंटरप्ट करके जो अपने काम को करवाते हैं इधर उधर से, बहुत सारा काम मतलब बहुत सारे लोग से जैक लगवा कर अपना काम कराते हैं पैसे खिलाकर,